हेलो जी, नमस्ते। तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग में। सुबह के बज चुके हैं 7 और हमारा मौसम देखिए हो चुका है फिर से ख़राब। देखिए, पर फ़िलहाल अभी तो वाइट वाले सफ़ेद बादल है, तो सफ़ेद बादल से वैसे बारिश आती नहीं है, लेकिन ये कब कन्वर्ट हो जाए ब्लैक वाले बादल में जो कि बारिश देते पता नहीं। फ़िलहाल तो मौसम अभी मतलब रुका हुआ है, बादल है पूरे आसमान में लेकिन बारिश नहीं है। और मैं फाइनली आज सुबह सुबह ही अपनी फेवरेट खिड़की में पहुंच चुका हूं। यहां पर देखिए, तो वहां पर तो है हल्के हल्के काले बादल है देखिए, लेकिन फ़िलहाल चलिए अभी पूरे आसमान में है नहीं। देखिए यहां पर वाइट वाले बादल है, तो फ़िलहाल कोई डर नहीं है। मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आज का व्यू। देखिए क्या ऑसम लग रहा है मौसम। ये तो डायलॉग ही हो गया यार, क्या ऑसम लग रहा है हमारा मौसम। तो आज देखिए टावर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर सफ़ेद बादल है बिल्कुल एकदम क्लीन वाले, तो लेकिन इस तरफ थोड़े काले बादल है देखिए वहाँ पर। लेकिन फिर इस तरफ देखिए ये वाले बिल्कुल वाइट है, और नीचे से देखिए जहाँ पर धुंध दिख रही है उसके ऊपर बिल्कुल नीला आसमान है, मतलब कि मौसम साफ भी हो सकता है यहाँ। अगर किधर गया, अरे इधर की देखे तो इस हिसाब से तो मतलब बारिश आएगी, उस हिसाब से उधर के हिसाब से बारिश नहीं आएगी, तो पता नहीं क्या होगा, चलिए देखते हैं। पिछले कल तो पूरे दिन भर बारिश रही, जिस कारण मैं मतलब 11-12 बजे के बाद ब्लॉग भी नहीं बना पाया, इतनी बारिश थी। मतलब अंदर क्या ही बार बार ब्लॉग बनाता, तो बाहर निकलने का टाइम नहीं लगा तो मैंने बनाया नहीं। तो देखिए जो हमने पिलर्स डाले थे परसों, वो वैसे ही है, उसके फट्टे लगे हुए हैं। फ़िलहाल ये वाला फट्टा निकाल दिया था, लेकिन इसकी बाहर की तरफ देखिए दिख रहे हैं 3 फट्टे सिरे में, तो ये फट्टे भी नहीं निकाले। और वो देखिए परे चादर का वो दिख रहा है ना, एक गोल वाला पिलर जिसमें चादर ये रोल करके लगाई है, मैं बैक कैमरा करके भी दिखाता हूँ, रुकिए। ये वाला पिलर इसमें चादर लगाई हुई है तारों से बांध कर, तो अभी ये भी रह गया निकालने को। बाकी आप लोगों को पता है दीवारें तो हमारे सारी हो चुकी है कंप्लीट, बाकी ये पिलर बचे थे ये भी कंप्लीट हो गए। अब इसके ऊपर शटरिंग करेंगे पूरे में, फिर डालेंगे लेंटर। फ़िलहाल उसको तो टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मौसम ख़राब चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि रिस्क ना लें, थोड़ा मौसम एक बार ठीक हो जाए ना, उसके बाद ही अगला काम स्टार्ट करें, ये जो भी है शटरिंग वगैरह लेंटर डालने का। तो मुझे लगता है 8-10 दिन हमें रेस्ट देना चाहिए, कि ताकि जो बरसात का मौसम थोड़ा रुक जाए, बारिश थोड़ी हट जाए, मौसम 4-5 दिन साफ हो, उसके बाद ही करेंगे। बाकी एक बार फिर से आपको राखी की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके सभी परिवार को। तो मेरे पास तो अभी राखी नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहन है ही नहीं पब्लिक। एक बहन है, मतलब मामा की लड़की है, वो भी चंडीगढ़ पढ़ती है, तो वो किसी कारण आ नहीं पाई। तो पब्लिक बिना राखी के हो गया मैं इस बार, तो चलिए कोई बात नहीं, उसके नाम की राखी लेके रखी है मैंने, अभी थोड़ी देर में पहनता हूँ मैं भी, फिर बनाएंगे उसका भी ब्लॉग पब्लिक। वैसे काम भी है मेरे को, आज कहीं पर जाना है, तो देखते हैं हमारा प्लान बनता है या नहीं, क्योंकि कुछ काम है, आज मुझे फिर से जाना है। ये कहाँ जाना है ये तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा, तब तक नीचे जाता हूँ मैं, नींबू पानी पीना है अभी, मुंह वगैरह धोना है, फ्रेश वगैरह होना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय पब्लिक।